हिंदुस्तान में जिन्हें हिंदू कहने पर शर्म आती है वो ब्रिटेन के भावी पीएम से सीख लें देशभक्ति। भारत का बेटा ब्रिटेन का पीएम बनने से पहले ही बोला, मैं एक गौरवशाली हिंदू हूँ, यही मेरा धर्म है। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी देख लें सनातन धर्म का, सात समुंदर पार बज रहा है डंका। आज की ये रिपोर्ट आपको साल 2022 की सबसे अच्छी रिपोर्ट लगेगी, इसलिए आपको ये रिपोर्ट पूरी सुननी चाहिए। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व होगा कि ब्रिटेन के जो भावी पीएम हैं, वो न सिर्फ अंग्रेजों के देश की सत्ता संभालने वाले हैं, बल्कि उन्हें भारत का बेटा होने पर गर्व है। उन्हें गर्व है कि उनका परिवार सनातनी है। उन्हें गर्व है कि वो हिंदुस्तानी हैं। एक बयान देकर मोदी योगी के बाद तीसरा नाम दुनिया में ऋषि सुनक का कैसे जुड़ गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए उन्होंने ऐसा कहकर कैसे भारत का दिल जीत लिया। ब्रिटेन में हिंदुओं का वोट न के बराबर है, फिर किसी पीएम बनने वाले नेता की हिम्मत की दाद देनी होगी कि खुलकर ये कह सके कि उसे हिंदू होने पर गर्व है। भारत में ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे नेताओं को भी सीखना चाहिए कि सात समुंदर पार भी जब ऋषि सुनक ऐसा कह सकते हैं तो भारत के नेता क्यों नहीं कह सकते। साल 2020 में ऋषि सुनक को वित्त मंत्री की शपथ दिलाई गई थी, उसी दौरान उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऐसा करने वाले ब्रिटेन के वो पहले नेता थे। उसी दौरान उन्हें ब्रिटेन का मोदी कहा जाने लगा था। उसी वक्त ब्रिटेन के अखबारों में एक मुद्दा बन गया था कि सनातन धर्म का प्रचार ब्रिटेन में कैसे कोई नेता कर सकता है। मीडिया वालों ने भारत विरोधी सवालों की पूरी लिस्ट बनाई थी और ऋषि सुनक से पूछा। एक ब्रिटिश अखबार ने उनसे पूछा, आपने गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खाई? उनका जवाब आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूं, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। मैं आज भी भगवान गणेश की पूजा करता हूं। हमारे टेबल पर आपको गणेश भगवान की प्रतिमा ही मिलेगी। मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वो हर धर्म का सम्मान करें, गौमांस न खाएं। हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारे धर्म के खिलाफ हो। ऋषि सुनक को देखकर कुछ ऐसा लगता है जैसे सालों पहले मनोज कुमार एक फिल्म में एक अंग्रेजों के देश में जाते हैं तो लोग उन पर उनके पहनावे और शराब सिगरेट न पीने पर हंसते हैं, लेकिन जब वो एक गाना सुनाते हैं तो विदेशी देश के लोग सन्न रह जाते हैं, और वो गाना था ये। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कुछ ऐसी ही कहानी है ब्रिटेन के भावी पीएम ऋषि सुनक की। पंजाबी खत्री परिवार में पैदा हुए सुनक ने भारत में बहुत कम वक्त बिताया है, लेकिन सुनक का भारत प्रेम उन लोगों की आंखें खोल सकता है जो घर छोड़कर जाते हैं, विदेशी बन जाते हैं। लेकिन इस हिंदू धर्म से प्रेम की एक खास वजह भी है, वजह ऐसी जो सुनक आज भी याद करते हैं। कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े इंसान बन जाना, कभी दादा के साथ हुए अन्याय को मत भूलना। ऋषि की बायोग्राफी लिखने वाले माइकल एशक्रॉफ्ट ने अपनी किताब में लिखा है, ऋषि के दादा रामदास सुनक गुंजावाला में रहते थे जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था। दादा रामदास ने साल 1935 में गुंजावाला छोड़ा और वो क्लर्क की नौकरी करने के लिए नैरोबी आ गए। रामदास सुनक हिंदू मुसलमान के बीच खराब होते रिश्तों की वजह से नैरोबी गए थे। बायोग्राफी के मुताबिक ऋषि सुनक का परिवार आज से नहीं बल्कि कई सालों से विदेश में है। नाना हो या फिर माँ या फिर पिता, सबका जीवन विदेशों में ही बीता, लेकिन इस बात का असर ऋषि सुनक पर नहीं पड़ा। उन्होंने सनातनी सभ्यता को संभाले रखा, और जब वो सत्ता संभालने वाले हैं तो खुलकर कहते हैं कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक हिंदू परिवार में जन्मा हूँ। ब्रिटेन या किसी भी देश में भारतीयों के रंग, पहनावे, उनके स्वभाव पर कुछ अंग्रेज हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। ब्रिटेन में पिछले कुछ सालों में सनातन सभ्यता की तरफ लोगों का लगाव बढ़ा है। कई अंग्रेज भारत में आते हैं तो ऋषिकेश और वाराणसी की गंगा आरती में बैठकर आरती करते देखे जाते हैं। मतलब ब्रिटेन हो या कोई भी मुल्क, अगर वहाँ एक भी सच्चा हिंदुस्तानी होगा तो वो अलख जगा ही सकता है। भारत के कारोबारी और जानी मानी आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं, जो भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए गौरव की बात होगी। लेकिन आखिरी में हम आपको सबसे जरूरी बात बताते हैं, ब्रिटेन एक ताकतवर देश है, वहाँ भारत का जलवा कम नहीं है। ब्रिटेन के पूर्व राष्ट्रपति कुछ दिन पहले भारत आए थे तो बुलडोजर के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी, जिसके बाद खूब बवाल मचा था। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो संदेश दे पाए कि वो योगी मोदी के साथ हैं, और मोदी योगी का एक बड़ा जन समर्थन ब्रिटेन में भी है। आप हर स्टोरी में कमेंट लिखते हो या ना लिखते हो, लेकिन आपको इस पर जरूर लिखना चाहिए, भारत माता की जय।